विजिट है और आशा है कि मैं बीच बीच में आता रहूँगा, आप लोग को मार्गदर्शन क्या है कुछ सलाह देने के लिए भले आऊँगा, और क्योंकि आपका मार्गदर्शन तो बहुत उचित तरीके से और बहुत उचित हाथों में है। तो अभी ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि आपके उम्र के लोगों में ये बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, और हम समझते हैं कि जब तक इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान का कल्याण नहीं है। नवयुवक लोग MSc PhD कर कर के घूमते रहते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। कई इंटरव्यू बोर्ड्स में मैं रहता हूँ, साइंटिफिक एडवाइजरी कमिटी में भी हूँ बिहार सरकार के और अन्य कई संस्थाओं के, तो मैं देखता हूँ कि MSc PhD एक छोटे से जॉब के लिए भी MSc PhD आते हैं और उनमें भी सैकड़ों लोगों में से मात्र एक या दो लोगों का अपॉइंटमेंट हो पाता है। तो ये बड़े ही गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा नौजवान जो टैलेंट है, जो मेधा शक्ति है नौजवानों की, उनका सही तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है इस भारतवर्ष के लिए। और हम लोग बराबर करते हैं कि हमारा देश नौजवानों का देश है, लेकिन उनका अगर आप उपयोग नहीं कर पाइएगा तो वो कहना बेकार हो जाएगा। हमारे नौजवान बड़े प्रतिभाशाली हैं और सक्षम हैं, और इनका सही उपयोग अगर किया जाए तो भारत सही में विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा, क्योंकि हमारी 65% जो आबादी है वो युवा लोगों की है और समर्थवान युवाओं की है, पढ़े लिखे युवाओं की है। विदेश में युवा भी हैं, बहुत कंट्री में इस तरह के हैं, लेकिन इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, और हमारे यहाँ तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन के चलते या सरकारी कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि बड़ा लंबा टाइम लग जाता है, एक अपॉइंटमेंट निकलता है, कोई वैकेंसी निकली और उसमें सालों साल कोर्ट केस ये इस तरह से करके 5 साल 6 साल तक लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और नौकरी नहीं मिल पाती है। तो एक बड़ा चिंता का विषय, और हम लोग बराबर इस पर बल देते हैं, और सरकार से जब भी हम लोग की वार्ता होती है तो हम लोग कहते हैं कि ये सबसे अहम मुद्दा है भारतवर्ष को ऊपर ले जाने के लिए, जब तक इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप लोग ये पॉजिटिव थिंकिंग का जो ये प्रयास चल रहा है आप लोगों के बीच में, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि एक निराशा के कगार पर पहुँचे लोगों को अगर एक उचित मार्गदर्शन मिले तो वो काफ़ी अच्छा आगे कर सकते हैं। चूँकि मैं चिकित्सा के फील्ड से हूँ, इसलिए मुझे चिकित्सा के बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसमें आप लोग बहुत अच्छा सहयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत की आबादी 70% जो है वो गांव में रहती है, और गांव में तरह तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम लोग निदान नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे जो ग्रामीण भाई लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनके पास पैसा भी नहीं उतने इलाज का, और जान माल का नुकसान होता रहता है। तो इस मामले में आप लोग अगर जनसंपर्क अभियान बना के कैसे इस पर काबू पाया जाए, इतना बीमारी सब है हमारे गांव में, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पर आप लोग बहुत सफल माध्यम हो सकते हैं इस समस्या को दूर करने में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक बहुत घातक बीमारी को अभी हाल ही में उन्मूलन कर पाए हैं। आप में से कोई बता पाएंगे कि कौन सी वो बीमारी है जिसका उन्मूलन हो गया है भारतवर्ष में? पोलियो का उन्मूलन हम लोग कर चुके हैं अभी तक, लेकिन अभी हम लोग प्रयास में लगे हैं एक बहुत ही एक घातक बीमारी है जो कि सैकड़ों वर्ष से हिंदुस्तान में है, और उसका 80-90% जो डिजीज का स्रोत है वो बिहार प्रांत है, और वो उसको हम लोग काला जार बोलते हैं। तो काला जार सैकड़ों साल से है और हम लोग उसका उन्मूलन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हम लोगों ने उन्मूलन का लक्ष्य रखा था 2010 में, उसमें नहीं कर पाए, फिर उसको बढ़ा करके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसको 2015 कर दिया, 15 में भी नहीं कर पाए, उसके बाद इसका दूसरा एक डेट दिया गया 2017। तो 17 आते आते बीमारी की संख्या तो बहुत कम हो गई, लेकिन अभी भी
इस पर काफी काम किया जाना बाकी है। जहां 25 से 50 हजार मरीज रहते थे कालाजार में पूरे बिहार में, अब उसकी संख्या मात्र 5 हजार रह गई है। लेकिन चूंकि ये फैलने वाली बीमारी है, अगर 5 हजार को भी हम लोग बढ़िया से इलाज करके नहीं ठीक करेंगे तो ये 5 हजार से फिर ये बीमारी फैल सकती है। उसके लिए बहुत सरल उपाय सब है, जिसको कि हम लोग को एक स्पेशल इस तरह का हम लोग सेशन रखेंगे, जिसमें आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या आप अपने स्तर से कैसे एजुकेट कीजिए अपने अपने एरिया में लोगों को। और बहुत मामूली चीज़ है, जैसे साफ सफाई रखना, अभी भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें सक्रिय सहयोग कीजिए आप लोग। दूसरा है कि आप अपने क्षेत्र के ग्रामीण एरिया में जहाँ पर की बीमारी है वहाँ पर ग्रामीणों को शिक्षित करने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पर पशु बांधते हैं वहीं पर वो सोते भी हैं, उसी रूम में भी गाय भैंस बंधा हुआ उसी रूम में सो रहे हैं। तो इससे बीमारी कालाजार या मलेरिया या बहुत से डेंगू बीमारी ये सब बहुत फैलने का चांस रहता है, क्योंकि मच्छर या बालू मक्खी की संख्या बहुत ज़्यादा ही रहती है और वो गाय मवेशी जहाँ रहते हैं वहाँ पर उनकी बहुत मात्रा रहती है। तो अगर आप कोई ग्रामीण उसमें सोता है तो वो बीमारी की चपेट में आ सकता है। इसलिए उसका सिंपल उपाय है कि आप अपने साफ सुथरा रखें घर को और मच्छरदानी का उपयोग करें। गांव में देखिए कि मच्छरदानी का उपयोग बहुत कम है, अगर मच्छरदानी का उपयोग किया जाए तो हमारे ग्रामीण भाई जैसे बहुत घातक बीमारी जैसे कालाजार मलेरिया डेंगू इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। अगल बगल गंदगी जमा होती है, पानी जमा होती है, आप शिक्षित प्रशिक्षित उनको बताइए कि यही कारण है बीमारी का, यहीं पर मच्छर या मक्खी ये सब पनपता है और तरह तरह की बीमारी को का जन्म देता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें बहुत सी चीज है, एक अलग सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बड़ा सकारात्मक प्रयास है मनीष जी का, और आप सभी इतना युवा शक्ति हमारे साथ है तो हम लोग बहुत अच्छा इसमें कर सकते हैं, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के आ सकती है। और आशा है कि आप लोग अपना सहयोग करते रहेंगे और हम लोग समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते रहेंगे। धन्यवाद।